नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुंवरदीप सिंह, एके गैरी अमृतसरिया, विद ऑलमोस्ट 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग एंड 4 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन DU LLB। अब दोस्तों, मैं काफी सालों से DU LLB के एग्जाम को देख रहा हूँ। DU LLB के 2024 की वीडियोज भी आप देख ही सकते हैं, आउट हो रही हैं डेली, और उनको भी जितना मेरे से हो सके, गाइड हो सके, वो मैं कर रहा हूँ। तो अब दोस्तों, नेक्स्ट सेशन की जो प्रेपरेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि 2025 का जो DU LLB होने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत जरूरी है दोस्तों इसके एग्जाम पैटर्न समझना, बहुत जरूरी है दोस्तों एग्जाम के बारे में समझना कि एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, एक रेस्टोरेंट में आप जाए और एक आप बहुत अच्छे कुक हैं या बहुत अच्छे आप शेफ हैं, तो दोस्तों आप एक टेबल पर जो कस्टमर होगा आप उसे वो प्रेजेंट करेंगे जो वो खाना चाहता है, ना कि वो जो आप उसे खिलाना चाहते हो। ये मैंने एग्जाम्पल दोस्तों इसलिए दी है आपको ये समझाने के लिए कि प्रेपरेशन किसी भी एग्जाम की हो, चाहे कंपटीशन हो, चाहे कोई भी किसी भी तरह का एग्जाम हो, चाहे ये DU LLB का CUET एग्जाम है दोस्तों, प्रिपेयर हमें एग्जामिनर के अकॉर्डिंगली करना पड़ता है, एग्जाम के अकॉर्डिंगली करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे हम कुछ भी ऐसा नहीं करने वाले कि मैं जस्ट फॉर द नॉलेज पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। नॉलेज पढ़ना है तो फिर आप कोई और बुक्स पे जाएं, फिर आप जर्नल किसी और जगह पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जो मोटिव है वो DU LLB का पेपर क्लियर करना है, एडमिशन लेनी है या फिर CUET क्लियर करना है। सो हमें दोस्तों उसी तरह पढ़ना भी पड़ेगा, उसी तरह हमें अपने आप को रेडी करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, ऐसा ऐसा पेपर होने वाला है और मुझे इन कोर सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, इन पे नहीं करना। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ दोस्तों जो DU LLB 2025 की प्रिपरेशन अभी शुरू करने वाले हैं या फिर सोच रहे हैं या आगे करेंगे। एक ब्रीफ में बता देता हूँ दोस्तों, जो DU LLB का एग्जाम है या कोई DU LLB में लेना चाहता है इन द सेशन 2025, उसे CUET PG 2025 का एग्जाम देना होगा। याद रखना आपने PG देना है, UG नहीं देना। बहुत सारे बच्चों को इसको लेकर भी कंफ्यूजन है। तो दोस्तों CUET PG में सिर्फ DU ही नहीं आता, अगर आप ये एग्जाम देते हो और बहुत अच्छा स्कोर करते हैं तो बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेजेस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जैसे DU हो गया, BHU हो गया और भी बहुत सारी जितनी भी उसके अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती हैं, वो सब में एलिजिबल हो जाएंगे आप एडमिशन लेने के लिए। तो आपको जो एग्जाम देना है वो DU LLB का एक पर्सनल डेडिकेटेड एग्जाम नहीं है, आपको जो एग्जाम देना है वो एक जर्नल एग्जाम है, CUET PG 2025, और उसका कोड है COQP11। मतलब जब आप ये फॉर्म भरेंगे मैं आपको सब चीजें क्लैरिफाई कर दूंगा, हर चीज आपको बताता रहूंगा, और अगर कोई इन डिटेल इस एग्जाम के बारे में पढ़ना चाहता है तो मेरा बैच जो है वो जल्द ही शुरू भी होने वाला है 20 जुलाई से मेरी ऐप लर्निंग HQ पर। और तो और दोस्तों, इसके अलावा इस एग्जाम को अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो आपको 100 क्वेश्चंस नहीं, सिर्फ 75 क्वेश्चंस आएंगे, वो भी कितने, 105 मिनट्स में। सो आपको 105 मिनट्स में आपको 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फॉर एवरी क्वेश्चन सही क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है -1। ये कुछ एग्जाम का पैटर्न है दोस्तों, मोटा मोटा रफली आपको एग्जाम का पैटर्न बता रहा हूँ कि आप अगर DU LLB में पेपर लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या करना है, कैसे करना। और तो और दोस्तों, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस ना इसमें कुछ जर्नल पेपर है, मतलब एक तरह का कुछ डेडिकेटेड, ऐसा नहीं है कि लॉ का कोई पेपर आने वाला है, कुछ LLB का डेडिकेटेड पेपर, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये पेपर पिछले 2 सालों से, क्योंकि CUET पिछले 2 सालों से हो रहा है जिसमें DU LLB पार्ट ले रहा है, उससे पहले नहीं ले रहा था, उससे पहले सिर्फ BHU था। तो DU जब से CUET में पार्ट लेने लग गया दोस्तों, तो तब से ये पेपर जितना मैंने देखा है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पेपर को मैंने अच्छी तरह देखा, तो एक जर्नल सा पेपर की तो और जो है वो टीचर इंक्लाइंड है। अब एग्जाम कैसा है या पैटर्न कैसा है वो मैं आपको बता चुका हूँ। सिलेबस में दोस्तों देखो, एक तो लैंग्वेज पोर्शन है, देखो लैंग्वेज पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में जाओ लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इंग्लिश का सिलेबस ये है, अगर आप मुझे कमेंट नीचे करेंगे मैं सिलेबस को अच्छी तरह डिटेल में डिस्कस कर दूंगा, मेक श्योर आप नीचे कमेंट कर दें दोस्तों। सिलेबस जो है वो इंग्लिश का, ये आपके बिल्कुल सामने पेपर है, आप चूज कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं इंग्लिश या फिर हिंदी में। सो हिंदी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेबस ये सामने है बिल्कुल आपकी स्क्रीन के ऊपर, और जो इंग्लिश है वो ये है। दोनों में से आपको एक ऑप्ट करना होगा, ऐसा नहीं है कि आपको दोनों ऑप्ट करना है, दोनों में से एक ऑप्ट करना है। अगर आप इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल है तो ये कर सकते हैं, अगर आप हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल है तो हिंदी भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस। अब इसमें ना मैं ऐसी चीज कहूंगा,
कि दोस्तों इसमें इन्होंने लिटरेचर डाल दिया, हिस्ट्री डाल दिया, कॉन्स्टिट्यूशन डाल दिया। पहले आप एक चीज याद रखते हैं दोस्तों, पहले लीगल अवेयरनेस नहीं था, 2024 में पहली बार ऐड हुआ लीगल अवेयरनेस, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा पूछे नहीं जा रहे। लीगल अवेयरनेस में मतलब हमें जितनी हल्की फुल्की सी जो लॉ की नॉलेज होनी चाहिए वो लीगल अवेयरनेस में होती है। सो जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस जैसे पर्सनैलिटीज, ये आप जानते हैं, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल इकोनॉमी के बारे में, साइंस के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर, ये सब कुछ जनरल अवेयरनेस में आ जाता है और कहीं से भी उठा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है जनरल अवेयरनेस के बेसिस पे। उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर बेसिक्स की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर बेसिक्स का सिलेबस आपके सामने है, बिल्कुल कोई बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके नहीं पूछा जाने वाला, कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम आपको कंप्यूटर के बारे में, किसी और चीज के बारे में नहीं पूछे वाला। दोस्तों मैं तो बस आपको यही एडवाइस करूंगा कि फोकस ऑन बेसिक्स। अगर तो आप मेरे से बैच लेना चाहते हैं या फिर एनरोल होना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट पर या फिर ऐप प्ले स्टोर पर जाके मेरी ऐप लर्निंग एज को डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्सेज सेक्शन में जैसे ही आप जाएंगे तो CUET PG 2025, यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको बैच दिख जाएगा, ऑनलाइन बैच, जो कि 20th of July से कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। अगर आप 20th of July से पहले एनरोल करते हैं तो आपको सीधा का सीधा 20% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये कूपन कोड जो है वो सिलेक्ट करना और ये अप्लाई हो जाएगा और डायरेक्ट यहाँ पे आपको 20% सीधा फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सिर्फ तब तक है अगर आप 20th जुलाई से पहले पहले एनरोल होते हैं। हर चीज दोस्तों इसमें कवर कर दी जाएगी। सो अगर आप यहाँ पे एनरोल हो रहे हैं फिर तो आपको वरी करने की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन आप अगर खुद से प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो आपको बस एक ही एडवाइस करूंगा कि दोस्तों जितना पेपर को एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जितना पेपर को मैंने देखा है, सब चीजें देखी हैं, फोकस ऑन बेसिक्स, बेसिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना, वही पे एग्जामिनर पूछने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद दोस्तों जनरल एप्टीट्यूड के बारे में मुझे नहीं लगता ये मुझे आपको समझाने की जरूरत है। ऑलमोस्ट मैथ्स, LCM, HCF, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, ये सब चीजें जो है वो आपको कराई जाएंगी, और बैच अगर लेते हैं तो बैच में आपको हर चीज करवा दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग की बात करूँ, लॉजिकल रीजनिंग में ये सब चीजें आ रही हैं, रैंकिंग टेस्ट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीट अरेंजमेंट, नॉन वर्बल रीजनिंग, ये सब चीजें जो है वो आपको इसमें कवर करवाई जाएंगी। और अब बात कर लेता हूँ दोस्तों, ये हल्का फुल्का सा मैं आपको पेपर के बारे में बता रहा था, अब बात कर लेते हैं कि अब तैयारी कैसे करनी है। दोस्तों अभी जुलाई का मंथ है और मैं, मेरा जो बैच है वो 20th जुलाई से शुरू हो रहा है, सो मैं 20 जुलाई ही ले लेता हूँ। और ये पेपर जो होता है दोस्तों वो रफली अराउंड, अगर मैं सही सही टाइम पे भी देखूँ तो अपनी फेब मार्च में जो है वो फॉर्म्स आउट हो जाते हैं और उसके बाद अप्रैल मई में अपना पेपर हो जाता है। सो जुलाई टू मई का जो अपने पास टाइम है, ये कैसे प्रिपेयर करना है कैसे नहीं, मैं हल्का सा आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, बाकी डिटेल में एक वीडियो और आ जाएगी। दोस्तों इस टाइम के पीरियड के बीच में आपको जो सबसे पहली चीज करनी है, के लिए अभी आपके पास बहुत टाइम है दोस्तों, मतलब बहुत टाइम है, मतलब ये है कि अभी आप ज्यादा से ज्यादा लर्न कर सकते हैं, नॉलेज ग्रैब कर सकते हैं। दोस्तों लॉ में एक चीज समझाई जाती है, स्पेशली जब आप आईपीसी में आएंगे आपको समझाया जाएगा कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, आपको नॉलेज मिलती है, नॉलेज के बाद क्या होता है दोस्तों, उसे आप एनालाइज करते हैं, इकट्ठी करते हैं ना, हर जगह से नॉलेज इकट्ठी करते हैं, उसे आप एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद आप एक थिंकिंग बनाते हैं या फिर आप एक सोच बनाते हैं कि मुझे ये चीज करनी है कि नहीं करनी। वो करने के बाद दोस्तों आपकी इंटेंशंस बनती हैं, ये आईपीसी का बता रहा हूँ, आईपीसी ऐसा ही पढ़ाया जाता है, सेम इस पेपर में भी होगा। सबसे पहले हम आपको इन बैच में नॉलेज देंगे, उसको आप एनालाइज करेंगे थ्रू मॉक टेस्ट, या फिर हम आपको मॉक टेस्ट उसी में इंक्लूडेड है तो हम आपको मॉक टेस्ट देंगे, आप भी प्रैक्टिस करने के लिए उसे एनालाइज करेंगे। वो धीरे 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 क्या होगा, वो थिंकिंग जो होगी, वो हर जो चीज होगी वो आपके प्रैक्टिस में आ जाएगी। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊँ तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो है वो आपकी डेली थिंकिंग में आ जाएंगे। लीगल पढ़ाऊँ तो डेली लीगल थिंकिंग में आ जाएंगे। अगर आप न्यूज़पेपर में एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई आईपीसी का सेक्शन देखेंगे तो उसी में इंक्लूड हो जाएगा। और उसके बाद आपकी इंटेंशन क्रिएट होगी कि मुझे एट एनी कॉस्ट CUET PG मैं क्लियर कर लूंगा या नहीं कर लूंगी या कर लूंगा, वो सब चीजें जो है उसमें होंगी। सो आपको इस टाइम पीरियड के बीच में आपको टाइम पीरियड को डिवाइड करना है, सबसे पहले नॉलेज गेन करनी है, लर्न करना है, उसके बाद दोस्तों रिवाइज। अब मानो ना मानो लेकिन रिवीजन इज द की। जो बच्चा जितना ज्यादा रिवाइज करता है वो बच्चा उतना ही ज्यादा क्वालिफाई करता है। सो जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ही ज्यादा क्वालिफाई करोगे, डजेंट मैटर कितना याद किया कितना नहीं, रिवाइज ज्यादा करना है, रिवीजन इज द की। तो ये वीडियो दोस्तों अबाउट ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ CUET 2025 या फिर DULLB 2025 अगर आपको सही लगी हो, प्लीज मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें टू गैरी अमृतसरिया, क्योंकि मैं
डेडिकेटेड वीडियोस ऐसे ही बनाता हूँ। और बैच को याद रखना दोस्तों, बैच मेरी ऐप लर्निंग एच पर आप एनरोल कर सकते हैं, कभी भी 20 जुलाई के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले करेंगे तो फिर आपको डायरेक्ट 20% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। सो अगर आप उससे पहले एनरोल करना चाहते हैं, हर चीज इसमें आपको कवर करवा दी जाएगी, इसके सारे जो की पॉइंट्स हैं हर चीज है, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो मेरी ऐप पर जाके आप देख भी सकते हैं। लाइव क्लासेस होंगी, ऑफलाइन डाउनलोड अगर पीडीएफ मिलता है वो कर सकते हैं, लैपटॉप पर देख सकते हैं। और 20 जुलाई वाली जो क्लास है दोस्तों, वो एक मॉक तरह की, ये फ्री ट्रायल क्लास है, कोई भी एनरोल कर सकता है, कोई पैसा नहीं है, सिर्फ आपको ऐप पर जाके रजिस्टर करना है और आपको क्लास ज्वाइन करनी है टाइम पे, और कुछ भी नहीं करना, कोई भी देख सकता है। तो आई इनवाइट एवरीवन कि आप वो ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपका। बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट भी हैं सीयूईटी को लेके, वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, हर चीज आपको ऐप पर मिल जाएगी। और मैं खुद ही पढ़ाने वाला हूँ, और भी टीचर्स होंगे लेकिन मैं भी पढ़ाऊंगा इसमें। सो एनरोल कर सकते हैं दोस्तों अगर आप चाहें तो। इस वीडियो को ले रखते हैं दोस्तों, अगर कोई डाउट रह गया तो प्लीज मेक श्योर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको बता दूंगा। इस वीडियो के लिए रखते हैं दोस्तों, नमस्कार।